गुड इवनिंग, माय सेल्फ पूनम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंटी टेस्ट के बारे में। एंटी टेस्ट क्या होता है, एंटी टेस्ट कब किया जाता है, एंटी टेस्ट आपको डॉक्टर कब रिकमेंड करते हैं, कौन से वीक तक ही एंटी टेस्ट परफॉर्म किया जा सकता है, कौन से वीक के बाद एंटी टेस्ट हम नहीं कर सकते, और एंटी टेस्ट करने का रीजन क्या है, प्रेगनेंसी में जो एंटी टेस्ट होता है वो रीजन क्या है, अगर कुछ एंटी टेस्ट में अबनॉर्मलिटी आती है तो उसके बाद कौन सा डॉक्टर टेस्ट आपको परफॉर्म करने के लिए रिकमेंड करेंगे। तो आज हम जान लेते हैं एंटी टेस्ट के बारे में। एंटी टेस्ट को न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी टेस्ट भी बोला जाता है। ये आपका यूजुअली 11 से 13 वीक के अराउंड किया जाता है, 11 से 13 हफ्ते के बीच में डॉक्टर आपको एंटी टेस्ट करने के लिए सलाह देते हैं। हर कोई डॉक्टर आपको एंटी टेस्ट प्रिस्क्राइब नहीं करता। एंटी टेस्ट आपका मेनली जेनेटिक डिसएबिलिटी और अबनॉर्मलिटी को चेक करने के लिए किया जाता है, मेनली मतलब डाउन सिंड्रोम जो है उस डिसीज का पता करने के लिए एंटी टेस्ट होता है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल आ जाता है 21 क्रोमोसोम्स का सेल डिवीजन की वजह से, जिसकी वजह से जो बेबी होता है उसके अंदर बहुत सारी अबनॉर्मलिटी हो सकती है, उसके मतलब जो लिम्स होते हैं, हाथ पैर है वो छोटे हो सकते हैं, कान का साइज छोटा हो सकता है, ईयर्स छोटे साइज के हो सकते हैं, सबसे ज्यादा ब्रेन की जो एबिलिटी है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग की जो प्रॉब्लम्स है वो कम होती है, मतलब बच्चे की जो एबिलिटी है सोचने की, समझने की, याद करने की, वो सारी प्रॉपर्टी क्या होती है, कम। आपने भी देखा होगा कुछ बच्चे नॉर्मल बच्चों से कंपेरिजन में थोड़े से दिमागी तौर पर क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। तो ऐसे बच्चों का कि जो जन्म से ही जिनका थोड़ा सा दिमाग कम काम करता है, जिनका ब्रेन थोड़ा सा कम काम कर रहा है, ठीक है, बाय बर्थ डिफेक्ट्स, तो उसको बोलते हैं हम डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम का पता करने के लिए कि जन्म से बच्चे के अंदर कोई जेनेटिक अबनॉर्मलिटी तो नहीं, किसी तरीके का कोई और डिसऑर्डर तो नहीं है बच्चे के अंदर, तो ये सारे टेस्ट करने के लिए एंटी टेस्ट आपको रिकमेंड किया जाता है। जो डॉक्टर है आपको वो 11 से 13 हफ्ते के बीच में ही एंटी टेस्ट करने के लिए रिकमेंड करते हैं, क्योंकि जो एंटी टेस्ट होता है इसके अंदर हम क्या चेक करते हैं, फ्लूड होता है, आपकी बेबी की नेक के पीछे फ्लूड प्रेजेंट होता है, उस फ्लूड की वॉल्यूम मेजरमेंट की जाती है एंटी टेस्ट में, ठीक है। तो अगर ये फ्लूड होता है, मान लो हमने बोला कि 11 से 13 वीक के बीच में आपका एंटी टेस्ट होगा, इस फ्लूड की वॉल्यूम होती है, एक नॉर्मल रेंज रहती है 13 वीक के अराउंड की, भी कितनी रहनी चाहिए, 1.6 से 2 mm के अराउंड, 2.4 mm के अराउंड आपकी न्यूक्लियर एंटी टेस्ट की जो वॉल्यूम है वो होनी चाहिए, नॉर्मल रेंज होनी चाहिए। अब मैं बोल रही हूँ कि क्या होता है, जब आपको डॉक्टर 11 से 13 वीक के बीच ही रिकमेंड कर रहे हैं, तब ये फ्लूड होता है प्रेजेंट जो हम एंटी टेस्ट में मेजरमेंट कर रहे हैं जेनेटिक अबनॉर्मलिटी देखने के लिए। बट अगर 13 वीक के बाद आप जाते हो अल्ट्रासाउंड के लिए एंटी टेस्ट कराने के लिए, तो उस टाइम पे जो ये फ्लूड होता है वो बेबी के हेड के बाय में क्या हो जाता है, ये अब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से 13 वीक के बाद, 13 हफ्ते के बाद ये टेस्ट परफॉर्म नहीं किया जाता। मतलब यूजुअली 13 हफ्ते से 5 दिन तक का, 13 वीक और 5 दिन ऊपर, तब तक ये टेस्ट परफॉर्म किया जा सकता है। जब आपका 14 वीक कंप्लीट हो जाता है, 14 हफ्ते हो जाते हैं, उसके बाद ये टेस्ट नहीं किया जा सकता। तो ठीक है, 14 वीक के बाद आपका ये टेस्ट जाते हैं, जैसे कि FHR, फीटल हार्ट रेट, फीटल हार्ट रेट मेजरमेंट किया जाता है, और यूजुअली 1 घंटे के अराउंड इसमें टाइम लग जाता है जब आपका एंटी टेस्ट परफॉर्म होता है। अबडोमिनल टेस्ट हो सकता है और वजाइनल टेस्ट हो सकता है, मतलब नॉर्मली जो अल्ट्रासाउंड होता है उसी की तरह अल्ट्रासाउंड है, वजाइनल भी हो सकता है और अबडोमिनल भी होता है। जो मेरा परफॉर्म हुआ था वो अबडोमिनल टेस्ट परफॉर्म हुआ था, इसके अंदर 1 घंटे का टाइम लग जाता है। डॉक्टर आपके जो भी इसमें मतलब बेबी के हर पोस्चर को चेक करते हैं, उसके मतलब जैसे फीटल हार्ट रेट चेक करेंगे कि कितना फीटल हार्ट रेट है, उसके बाद बीपीडी है इसके अंदर, जिसमें पेराइटल डायमीटर है, मतलब जो बच्चे का हेड का डायमीटर रहेगा वो चेक करेंगे भी बच्चे का हेड का डायमीटर कितना रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर FL चेक करते हैं, फ्यूमर लेंथ, जो आपकी फ्यूमर क्या होता है, बोन होती है लेग के अंदर, हड्डी होती है उसकी लेंथ इसमें चेक किया जाता है। अबडोमिनल सर्कमफेरेंस चेक किया जाता है, ACC जिसको हम डिनोट करते हैं। दूसरा होता है HC, HC क्या होता है, हेड सर्कमफेरेंस,
मतलब जो हेड का साइज है बेबी का वो कितना रहना चाहिए यूजुअली, इसके अंदर वो चीज चेक करते हैं। तो इसके अंदर बच्चे की जैसे कि फिफ्थ मंथ में जो ऑर्गन के लिए हम टेस्ट कराते हैं, नॉर्मली सेकेंड टेस्ट होता है, उसी की तरह इसमें भी सारे ही ऑर्गन्स को चेक किया जाता है। मेनली तो फ्लूड की वॉल्यूम चेक करते हैं, कितना फ्लूड वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। तो एंटी टेस्ट के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है खुद को, ये मेरी एंटी टेस्ट की रिपोर्ट है, इसकी फोटो मैं आपको स्क्रीन पर डाल दूंगी। इसके अंदर देखना आपको सारी फोटो स्क्रीन मिलेगी कि क्या क्या हमने इसमें चेक किया है। ये देखिए इसमें बीपीडी जो मैंने भी बताया है, FL, CRL, इसके अंदर सारी चीज लिखी होगी, आपकी प्लेसेंटा पोजिशन होगी कि एंटीरियर है या फिर प्लेसेंटा पोस्टीरियर है, ये सब लिखा होगा। अब इसके अंदर आपका साथ के साथ एमनियोटिक फ्लूड वॉल्यूम लिखी होगी, और मेनली देखना साथ में इसके अंदर जो PI की वॉल्यूम यहाँ पे 13 week and 2 day, और साथ के अंदर यहाँ पे आपकी जो वॉल्यूम लिखी हुई है 1.51 नॉर्मल, और जो एंटी टेस्ट की वॉल्यूम है 1.2 mm। मैंने बोला था कि 1.6 से 2.4 mm आपकी नॉर्मल रहती है एंटी टेस्ट की रिपोर्ट, तो ये मेरी भी रिपोर्ट नॉर्मल थी। मैं आपको ऐसे ही डाल के दिखाऊंगी इसके अंदर भी कौन से पैरामीटर से। अच्छा, इस टेस्ट के लिए आपको कैसे प्रिपेयर होना है, पहले तो बिल्कुल कोई एंजाइटी की मतलब लेने की जरूरत नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं लेने की नीड है, आपको कुछ नहीं है। जैसे आप जाओगे बस एक घंटा आपको देना पड़ेगा वहां पे, अब्डोमिनल टेस्ट होगा नॉर्मली कोई। अच्छा, इसके अंदर यूरिन प्रेशर की नीड नहीं होती, आपको प्रेशर की कोई जरूरत नहीं है, पानी पी के जाने की जरूरत नहीं है, आप एम्प्टी मतलब खाना खा के जा सकते हैं, ठीक है। आपका मतलब यूरिनरी ब्लेडर क्लियर होना चाहिए, यूरिन पास आउट करके उसके बाद आप जाओगे, कोई प्रेशर नहीं चाहिए इसके अंदर बाथरूम का आपको। उसके बाद डॉक्टर आपका हर पर्सन को एक घंटे के राउंड्स में टाइम लगेगा, हर एक उसकी मतलब जो वॉल्यूम है, जो पैरामीटर्स मैंने बताए हैं, CRL हो गया, बेबी की प्रॉपर लेंथ चेक करेंगे कि कितनी लेंथ होनी चाहिए, कितनी वेट रेंज उसकी होनी चाहिए, अलग अलग जो 5-6 पैरामीटर्स मैंने बताए हैं आपको, मैं फोटोज में आपको शो करूंगी, तो ये सारे पैरामीटर्स चेक करेंगे। अगर इस स्कैन के बारे में आपको फिर भी कोई भी डाउट होगा कि कैसे होता है, कोई भी आपको डाउट लगे तो कमेंट में आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।